कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहल अकादमी पर यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो 150 दिन बाद कश्मीर में जाकर खत्म होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल राहुल गांधी की ना होकर बल्कि पूरे भारतीयों की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने विपक्ष के आने वाले बयानों पर भी कहा कि विपक्ष यह पूछ रहा है कि यदि यह भारत जोड़ो यात्रा है तो यहाँ टूटा क्या है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग जानते हैं कि उनके दिल टूटे हैं, लोगों की उम्मीदें और उनका हौसला भी टूटा है। ये बहुत उन्होंने गहरी बात कही है। पत्रकारिता में कई बार हम जल्दीबाजी में गहरी बात छोड़ देते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उनके कहने का मतलब मैं ये समझता हूं कि हर नेता के अंदर एक असुरक्षा की भावना होती है कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊं। वो उस राहुल गांधी की चिंता को पीछे छोड़ आए हैं। उनके सामने देश है, देश को बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो हजारों लाखों लोग हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, और वो करोड़ों लोग हैं जिनका भविष्य इस देश में अभी दांव पे लगा हुआ है। मैं इसको इस तरह समझता हूं, ये यात्रा इस देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाने की, इस देश के टूटे हुए मन को जोड़ने की यात्रा बन गई है। राहुल गांधी वास्तव में स्वयं राहुल जी के शब्दों में मुख्य मुद्दा नहीं है। देखिए, इसका पूरा उत्तर तो आपको, आप अगर एक दिन की छुट्टी अपने ब्यूरो से लेकर पहुंच जाएं आपको तब मिलेगा। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, हम उसकी संभव बनाएंगे। मैं आपको मेरे कहे पे आधा विश्वास करना और बाकी जांच करना। समाज के हर वर्ग का, समाज के हर क्षेत्र का, हर आयु वर्ग का, बल्कि अलग अलग पार्टी के, चाहे वोटर किसी और पार्टी के हों, उन लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। मैं आपको कहूंगा कि आप 3 दिन 4 दिन पहले हम इंदौर में थे, वहां के फुटेज देखिएगा। इंदौर भाजपा शासित राज्य का एक शहर है, वहां के सांसद विधायक भाजपा के हैं। कम से कम 4 लाख लोग उस दिन सड़कों पर थे, और वो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि इतने लोगों को घर से निकाल सके। वो लोग अपने दिल से निकले थे, अपने मन से निकले थे, हर क्षेत्र के लोग, हर आयु वर्ग के लोग। तो एक अभूतपूर्व यात्रा ये बन चुकी है। योगेंद्र यादव जी के शब्द कहूं तो ये एक छोटी सी नदी कन्याकुमारी से निकली थी, लेकिन अब वो एक सैलाब बन